अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है मैथ्स का और कई और कोर्सेज लाने वाला हूँ। मेरा नाम है अक्षय पांडे, आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से सीधे मेरे प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे। तो आप एक बार जाइए ज़रूर और कोर्सेज़ को ज़रूर देखिए, तो कोर्सेज़ बहुत अच्छे बने हैं। आपको अगर अच्छा लगे कोर्स तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर में, और आज हम फिर से नंबर सिस्टम के फोर्थ पार्ट पे बात करेंगे। जो अभी तक मैंने 16 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और आज 16 से मैं स्टार्ट करूँगा। तो इस वीडियो में भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आप पहले ट्राई करिएगा उन 5ों क्वेश्चन करने की, और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर, ये तो 19 है, 10 है, 11 है, 18 है, 38 है। तो आप अपने आप से कोशिश करिए करने की, और फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, आपने जैसे जितने अभी मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देख लिए होंगे, तो देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब भी अगर वैल्यू अचानक कम हो रही है, मतलब हाफ हो जा रही है, तो आपको सबसे पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए जो सीरीज़ 0.5 वाली है, मतलब जो 0.5, 0.25 वो वाली है, आपको वो याद होनी चाहिए। तो देखिए, 19 में अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका एकदम हाफ हो जाएगा, ठीक है? मतलब 9.5, तो 9.5 में अगर 0.5 आप ऐड कर लोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है? अब 10 बन जा 10 और प्लस 1 मतलब 11। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो ये इंट्यूशन हो रहा है कि आपको ये सीरीज़ बन सकती है, आप उसे और चेक कर सकते हैं। तो आपका देखिए, 11 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 22 हो जाएगा, यानी वो वाली सीरीज तो नहीं होगी, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई किया है। तो 11 में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1.5 ऐड करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। 18 टू 36, तो 36 प्लस 2 38। तो अगला जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 38 इंटू 2.5 और प्लस 2.5, तो 38 इंटू 2.5 95, और प्लस 2.5 मीन्स 97.5, तो 97.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो अप्रोच लगाएगा इंसान, तो वो मैं बताता हूँ, वही यही जो आप अप्रोच लगाओगे जो आपने इससे पहले लगाया है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 में तो 3 हो जाएगा, और प्लस 1 कर दूंगा तो 4 हो जाएगा। फिर मैं 4 में 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 बन जा 4, और प्लस 1 कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है? अब 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू जा 10, और प्लस 1 किया तो 11, मीन्स 0.5, 1 और 1.5, 1 और 2 वाली सीरीज़ है, ठीक है? लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी अभी आगे भी आप देखिए। अब 0.5 का मैंने 2 टाइम्स किया तो 1 आ गया, 1 का 2 टाइम्स किया तो 2 आ गया, अब 2 का 4 टाइम्स मतलब 4 आना चाहिए, मीन्स 11 फोर ज़ा 44, और 44 प्लस 1 आपका 45, अब 45 फाइव ज़ा 8 ज़ा, तो आप देखिए 189 तो आपका कहीं आ ही नहीं रहा है, यानी आपकी जो ये सीरीज़ है आपने गलत मान रखी है। तो इसका जो सही तरीका है वो अब देखिए आप, 6 वन ज़ा 6 माइनस 2 तो आपका कितना हो जाएगा 4, 4 टू ज़ा 8 माइनस 3 तो आपका 5 हो जाएगा, 5 थ्री ज़ा 15 माइनस 4 आपका 11 हो जाएगा, 11 फोर ज़ा 44, और 44 माइनस 5 आपका 39 आएगा। तो अब अगला नंबर क्या, अगला सीरीज़ क्या होगा, इंटू 5 माइनस 6, तो आप देख सकते हैं 39 इंटू 5 हमारा 195 हो जाएगा, माइनस 6 करेंगे 189, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 39 हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अब 17 के बाद हमारा 18th क्वेश्चन है। अब ये देखिए, 6 5 6 और 10, उसके बाद आपको बताना है कि आगे क्या होगा, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए, 6 इंटू 1 मतलब 6 वन ज़ा 6 और माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा 6 वन ज़ा 6 और माइनस 1 मतलब 5, फिर हमने इंटू 1 किया प्लस 1 किया तो 5 इंटू 1 मतलब 5 और प्लस 1 मतलब 6। तो एक बार हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमने माइनस 1 किया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया, अब अगला हमने किया 2 से मल्टीप्लाई, 6 टू ज़ा 12 और माइनस 2, तो माइनस हमने 2 किया। अब अगले नंबर में हमें प्लस करना होगा, तो 10 टू ज़ा 20 और 20 प्लस 2 हमारा 22, तो हमारा 22 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो में इसे कराया है, अब मैं चाहता हूँ आप इसमें लॉजिक लगाइए और आप इसमें आंसर बताइए मुझे। आंसर आपका निकल जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19th क्वेश्चन देखिए, 15 20 38 65 और 101। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है।
तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये पास पास की ही वैल्यू है, तो सबसे पहले आप कम कर दीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 17 ऐड करेंगे 38 आ जाएगा, 38 में 27 ऐड करेंगे 65 आएगा, 65 में 36 ऐड करेंगे 101 आ जाएगा। तो अभी आपको लॉजिक समझ में नहीं आया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो एक बार जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस और निकाल लीजिए। तो 6 और 17 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 11, 17 और 27 का हो जाएगा 9, तो 27 36 का हो जाएगा 9, 17 27 का 10 हो जाएगा, 27 और 36 का 9 हो जाएगा। इन्हें अगला नंबर क्या होगा, अगला 8 होगा, और 36 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44। तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर वाले सीरीज में सब बढ़ रहे हैं, यानी 101 में 44 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 145। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब 13931 और आपको अगला नंबर बताना है। तो देखिए 1 1 1 और प्लस 2 हम इसमें ये कर सकते हैं, देखिए 1 3 3 3 3 9, लेकिन 9 3 27 तो है नहीं। आप क्या करना है, 1 × 1 + 2 तो आपका 3 हो जाएगा, 3 × 2 और प्लस 3 मतलब 3 × 2 = 6 प्लस 3 मतलब 9, 9 3 = 27, 27 + 4 31, 31 × 4 हमारा कितना हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा, और प्लस 5 मीन्स 129 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए अभी ये पूरी सीरीज़ में अभी और आगे चलाऊंगा, इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन से मैं लेके आऊँगा, बस ये समझ लीजिए मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो आप सिंपल एपी और जीपी वाले सीरीज़ कर लें, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके मेंस लेवल तक के क्वेश्चन हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो एक दिन पहले या जब भी आपको टाइम मिले उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।